हेलो फ्रेंड्स, देखिए मैं आज बनाने जा रही हूँ मिक्स वेज, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल। तो उसके लिए मुझे किन किन चीज़ों की ज़रूरत है मैं दिखाती हूँ। ये है मेरे सूखे मसाले और ये है मेरे साबुत मसाले, जिसमें मैंने लिया एक तेज़ पत्ता, एक इलायची और एक छोटी इलायची, एक टुकड़ा दालचीनी का, थोड़ी सी काली मिर्च और थोड़ी सी लौंग, और ये बारीक कद्दूकस किया हुआ अदरक। ये है प्याज चॉप किया हुआ, ये है टमाटर, ये भी चॉप किया हुआ है, टमाटर दो हैं और प्याज भी दो हैं। और ये है मटर एक बाउल, एक बाउल पनीर, एक हाफ कटोरी दही है और हाफ कटोरी ही मलाई है। और ये है मेरी सारी सब्जियाँ, इसमें देखिए ये गाजर, शिमला मिर्च, बीन्स, फूलगोभी और मशरूम। तो मैं आलू नहीं डालूंगी इसमें, ये इतनी सारी सब्जियां ही डालूंगी। और मैं आपको बनाना स्टार्ट करती हूँ, देखिए कैसे कैसे बनाते हैं। और ये बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल सब्जी बनेगी। तो फ्रेंड्स, ये देखिए मैंने तेल कढ़ाई में लगा दिया है और इसमें मैं ऐड करूँगी अब जीरा, तेल थोड़ा गर्म हो जाए। तेल लगभग हो चुका है, मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 चम्मच जीरा। के साथ ऐड कर दूंगी थोड़ी सी हींग। अब गैस को मैं थोड़ा सिम कर रही हूँ, मैं डाल रही हूँ तेज पत्ता और ये साबुत इलायची को मैंने हल्का सा क्रैक कर लिया, वरना ये बहुत फूटेगी। साबुत मसाले, ये क्रश करी हुई अदरक, थोड़ा सा इन मसालों को हिला दें। इसके बाद इसी में मैं डाल दूंगी चॉप किया हुआ प्याज। इसमें प्याज के साथ ही मैंने 4 हरी मिर्चें भी चॉप कर ली हैं। हरी मिर्च इस समय तेज़ आती है तो मैंने 4 ही रखी हैं, क्योंकि लाल मिर्च भी थोड़ी सी यूज़ होगी। अभी मेरा प्याज थोड़ा सा भुन चुका है, थोड़ा सा और होने दूँ। तो ये देखिए प्याज लगभग हो चुका है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी कद्दूकस किया हुआ टमाटर। से भी हमें थोड़ी सी देर को भूनना है। अभी टमाटर का पानी की आवाज़ आ रही है, थोड़ा सा कम हो जाए तब हम इसमें ऐड करने हैं अपने सूखे मसाले। तो ये देखिए प्याज और टमाटर अच्छे से भून गया है, इसमें से पानी की चटर पटर की आवाज़ भी नहीं आ रही। अब मैं इसमें मसाले ऐड करूँगी सूखे। इसके लिए हमें चाहिए 2 चम्मच सूखा धनिया, ये मसालदानी में जो चम्मच है वही है यूज़ कर रही हूँ, और 1 चम्मच हल्दी और थोड़ी सी आधी चम्मच के करीब लाल मिर्च। गैस को धीमा कर लें और ये 1 चम्मच गरम मसाला, हमने साबुत गरम मसाला भी यूज किया है तो इसलिए 1 चम्मच गरम मसाला। गैस मैंने धीमी कर दी है वरना मसाले जल जाएंगे। और आपको मैं बता दूं कि ये जो मेरे मसाले हैं सिर्फ हल्दी को छोड़ के बाकी मेरे सारे मसाले घर में मिक्सी से खुद पीसे हुए हैं। गैस की फ्लेम धीमे है, अब मैं इसमें ऐड करूंगी दही, थोड़ा सा वीट कर लें।
कुछ इस तरीके से। इसी बाउल में मैं ऐड कर लूँगी मलाई। दही और मलाई को दोनों को थोड़ा सा व्हीप करके गैस को सिम रख के आपको इसमें डालना है। और फिर इसे कंटिन्यू चलाना है, वरना ये दही और मलाई फट जाएगी। थोड़ी सी गैस को मीडियम कर लें ताकि ये मलाई और दही को भूनने के लिए। तो ये देखिए हमारे मसाले भुन चुके हैं। मसाले में दही और मलाई अच्छे से मिक्स हो गई और ये तेल भी छोड़ने लगी है। गैस मैंने कर दी है सिम। अब मैं इसमें ऐड करूँगी अपनी सारी सब्जियाँ। इन सब्जियों को मैंने पहले अच्छे से धो लिया था, फिर मैंने कट करके रखा। तो ये देखिए मैं एक एक करके सारी सब्जियाँ डालूँगी। सबसे पहले मैं डालती हूँ गाजर। वैसे हमें सारी सब्जियां डालनी है तो ज़रूरी नहीं है कि हम एक एक करके डालें, एक साथ भी डाल सकते हैं। फिर उसके बाद है शिमला, और मैंने सब्जियों को इस साइज़ में कट किया, ना तो बहुत छोटे साइज़ में है ना बहुत बड़ी साइज़ की है। आप देख सकते हैं मैंने कितने बड़े बड़े साइज़ रखे हैं सब्जियों के। जो भी हमारी थाली में एक्स्ट्रा पानी था वो हम इसी में छोड़ देंगे। अब हमें इन सब्जियों को अच्छे से मिक्स करना है, गैस को कर लेना है तेज। अभी मेरी मटर रह गई है, इसमें मटर भी डालनी है। देखिए इनको सबको अच्छे से मिक्स करके इसमें डालूंगी मैं नमक। तो ये देखिए मेरी सब्जी के अकॉर्डिंग इसमें जाएगा तकरीबन एक चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा नमक। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रखेंगे नमक। बहुत अच्छे से मिक्स कर दीजिए। बस इसमें मेरा पनीर रह गया है डालने को, वो डलेगा सबसे लास्ट में जब सब्जी परफेक्ट तैयार हो जाएगी तब। अब इन्हें अच्छे से एक साइड करके सब्जी को ढक देना है। ढक के मीडियम गैस कर दें वरना सब्जी जल जाएगी क्योंकि इसमें पानी नहीं है। और बीच बीच में चला के देख लें, लगभग 5 मिनट में सब्जी तैयार हो सकती है। तो चलिए देखते हैं 5 मिनट हो गए हमारी सब्जी किस कंडीशन में है। अभी इसमें थोड़ा पानी है और सब्जियों को चेक करते हैं। देखिए शिमला मिर्च तो गली जाती है और गाजर टाइट है, गोभी भी गल गई है लगभग। बीन्स भी टाइट है। 5 मिनट में सब्जी हमारी अच्छी तरीके से नहीं गली है। अभी हमें और पकाना है। हम ढक देते हैं फिर से और बीच बीच में हमें चेक करते रहना है सब्जी को। तो चलिए देखते हैं, 2 मिनट हो गए हैं
अब हमारी सब्जी तो चलिए देखते हैं, 2 मिनट हो गए और हमारी सब्जी किस कंडीशन में है। पानी लगभग सूख चुका है, सब्जियां भी गल गई हैं। अब हम इसमें ऐड कर देंगे पनीर। बस पनीर को भी हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। पनीर सॉफ्ट होता है तो हमने पनीर इसलिए सबसे लास्ट में डाला जाता है ताकि सब्जी में पनीर अलग दिखाई दे। अभी इसमें थोड़ी से पानी की आवाज आ रही है जिसको भी मुझे अभी सुखाना है और थोड़ा चलाती रहूंगी। और ये है मेरी धनिया पत्तियां, इसे मैं थोड़ी सी अभी डाल रही हूँ, थोड़ी मैं गार्निश के लिए रोक रही हूँ। गैस तेज करके मुझे सारा पानी सुखाना है। जो भी इसमें पानी की हल्की हल्की सी आवाज आ रही है वो सारा पानी जब सूख जाएगा तब मैं इसे डोंगे में निकाल दूंगी। को चेक करती हूँ, सब्जी बिल्कुल परफेक्ट बन गई है और मैं इसे निकाल ले रही हूँ। देखिए हमने पनीर डालने के बाद भी हमने 2 मिनट के लिए सब्जी को ढक दिया था और हम चेक कर रहे हैं अपनी सब्जी को। ये सब्जी बिल्कुल परफेक्ट हो चुकी है। अब मैं इसे निकाल ले रही हूँ कैसरोल में। गैस को कर दे रही हूँ बंद। तो देखिए मेरी मिक्स वेज तैयार है रेस्टोरेंट स्टाइल। और ये इसका कलर देखिए कितना सुंदर आया है। तो आप ये रेस्टोरेंट स्टाइल सब्जी बनाइए, खाइए, खिलाइए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और सब्जी पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। और मैंने इसे निकाला है माइक्रोवेव प्रूफ डोंगे में ताकि जब हम खाएं तो हम इसे दोबारा से गर्म कर सकें माइक्रोवेव में, क्योंकि हम कढ़ाई में करेंगे गर्म तो ये घुटी घुटी सी हो जाएगी सब्जी। अभी हमारी एक एक सब्जी अलग अलग है तो प्लीज़ इस सब्जी को ज़रूर बनाइए, खाइए, खिलाइए। और मुझे कमेंट में बताइए कि कैसी लगी आप लोगों को मेरी बनाई मिक्स वेज रेस्टोरेंट स्टाइल सब्जी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट।